hello my dear students how are you all i hope all of you are safe and fit at your home so beta g today we are going to start our new chapter that is halves and quarter so beta ji, before starting this chapter we will know what is fraction Because Kyun? halves and quarters are related to the fraction concept so we will discuss what is fraction and what are the types of fraction so let us start our today's video

सिक्स के ऊपर होती है तो हम सिक्स को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं हाफ पास्ट या फिर हाफ क्वार्टर क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारे घंटे के थर्टी मिनट्स पूरे हो चुके होते हैं क्या होता है थर्टी मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं यानी कि आउट ऑफ सिक्सटी वे थर्टी मिनट्स ऑलरेडी डन तो इसीलिए हम इसको आधा बोलते हैं हाफ बोलते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि थ्री का नाम हम क्वार्टर लेते हैं है ना और नाइन का भी नाम क्वार्टर लेते हैं क्यों क्योंकि ये क्या है फिफ्टीन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स क्या होते हैं सिक्सटी के फिफ्टीन मिनट्स क्या होते हैं फिफ्टीन फोर सिक्सटी फिफ्टीन फोर सिक्सटी यानी कि सिक्सटी मिनट को जब हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलते हैं फिफ्टीन मिनट इसीलिए जब ये चार पार्ट्स में डिवाइड होता है तो थ्री और नाइन का नाम आता है क्वार्टर नाउ अब हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है फ्रैक्शन होता है बेटा पार्ट ऑफ होल फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल व्हेन वी डिवाइड समथिंग इनटू द डिफरेंट पार्ट्स टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरी पर्सन मान लीजिए सपोज कीजिए मामा ने एक चपाती बनाई ठीक है मामा ने चपाती बनाई अब आप दो भाई बहनों ठीक है लेकिन आप मम्मा आपको कैसे देगी एक ये चपाती दो दो सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं आप टू सिस्टर एंड ब्रदर तो मम्मा आपको कैसे देगी ये ऐसा तो नहीं कि एक को दे देगी और एक को देगी नहीं मम्मा तो दोनों से इक्वल प्यार करते हैं तो मम्मा क्या करेंगे मम्मा विल डिवाइड दिस चपाती इन टू टू पार्ट्स बिकॉज यू आर टू सिबलिंग्स आप दो भाई बहन है तो मम्मा इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगी टू पार्ट्स में ठीक है बच्चा सपोज कीजिए कि आपके पास एक चॉकलेट बार है ठीक है और आप फोर फ्रेंड्स हैं कितने फ्रेंड्स हैं आप फोर फ्रेंड्स हैं तो अगर आप फोर फ्रेंड्स हैं तो ये चॉकलेट आप किस तरह शेयर करेंगे यू हैव टू डिवाइड दिस चॉकलेट इन टू फोर पार्ट्स आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस चॉकलेट को फोर पार्ट्स में तो जब हम होल को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है फ्रैक्शन क्या कहलाती है फ्रैक्शन अब देखिए बच्चा जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे डिनोमिनेटर क्या होते हैं डिनोमिनेटर ठीक है डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कि हमने पूरे होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है ठीक है और जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर शोज अस द नंबर ऑफ पार्ट्स वे विल सेलेक्ट कि हमने कितने पार्ट्स को सेलेक्ट किया है आउट ऑफ द टोटल ठीक है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मम्मा ने चपाती को टू पार्ट में डिवाइड किया सो द विल बी टू, और आपको उन टू पार्ट्स में से कितने पार्ट मिले सिर्फ वन पार्ट तो यू विल गेट वन बाय टू आउट ऑफ वन पार्ट आउट ऑफ टू ठीक है यही बात अगर हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं तो हाउ मेनी द चॉकलेट बार इनटू फोर पार्ट्स उ फोर हाउ मेनी पार्ट पार्ट सो वी चोकलेट आई क्या है एन से और डिनोमिनेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से तो जब हम पूरी को डिवाइड करते हैं किन्नी पार्ट में तो डिनोमिनेटर क्या बताता है कि हमने पूरे को कितने पार्ट में डिवाइड किया और उनमें से जितने पार्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं वो पार्ट्स क्या होते हैं न्यूमरेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे अलग करते हैं एक डिवाइडिंग लाइन से किससे करते हैं बच्चा डिवाइडिंग लाइन से तो ये बात तो थी फ्रैक्शन क्या होता है नाउ वी विल गो थ्रू वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो बेटा जी जैसा आपको बताया फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के टाइप्स भी होंगे फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं एक तो होता है यूनिट फ्रैक्शन फर्स्ट वन यूनिट फ्रैक्शन तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है बेटा यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन न्यूमरेटर क्या होता है ऑलवेज वन नो मैटर व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिनोमिनेटर क्या है जैसे कि अगर मान लीजिए दिस इज अ स्क्वायर इफ़ आई डिवाइड दिस स्क्वायर इंटू फोर पार्ट्स एंड आई गेट वन पार्ट मुझे इस चार पार्टों में से कितने पार्ट मिले वन पार्ट सो वन बाय फोर्थ माई शेयर इज वन फोर्थ सपोज कीजिए आपको एक केक है केक मिला ठीक है अब आप टेन फ्रेंड्स है कितने फ्रेंड्स हैं इस केक के लिए टेन फ्रेंड्स तो वी विल डिवाइड दिस केक डिड दिसकू पार्ट्स हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस केक को टेन पार्ट्स और आउट ऑफ टेन गेट ओनली वन बाय टेन ऐसा तो नहीं है ना कि आपके टेन फ्रेंड्स हैं और टू पार्ट्स आपको दे दिया और एक फ्रेंड को कुछ ना मिले तो ऐसा तो नहीं है तो जब आपका न्यूमरेटर वन होता है और डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन एग्जाम्पल वन बाय फोर वन बाय टेन वन बाय ट्वेंटी वन बाय थ्री वेन एवर द न्यूमरेटर इज वन एंड डिनोमिनेटर इज वट एवर इट इज नो मैटर दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शन क्या बोलते हैं इसको हम यूनिट फ्रैक्शन नाउ द सेकेंड टाइप सेकेंड टाइप में हम बात बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या नाम से पता चल रहा है बेटा कि ये वो फ्रैक्शन है जो बिल्कुल प्रॉपर सिलेक्शन पे डिपेंड करते जिसमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से ठीक है बच्चा जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास चार एक्टिविटीज हैं आपको समर कैंप में चार एक्टिविटीज दिए डांस सिंगिंग कुकिंग एंड स्पोर्ट्स आउट ऑफ फोर एक्टिविटीज यू कैन सेलेक्ट एनी टू एक्टिविटीज फोर में से आप कितनी सेलेक्ट कर सकते हैं टू सो दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि आपके पास चॉइसेस थी और उनमें से आपको पर्टिकुलर अपनी पसंद की कोई भी दो एक्टिविटीज को चूज करना था सो दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें पसंद तो बहुत सारी क्लॉथ्स होते हैं लेकिन वी हैव सेलेक्टेड ओनली द पर्टिकुलर जो हमें पसंद होते हैं ठीक है एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी टू बाय सेवन थ्री बाय टेन फोर बाय फिफ्टीन जिसमें भी न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है वो क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन नाउ थर्ड वन क्या होंगी इम प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर सेलेक्शंस पे नहीं डिपेंड करती जिसमें हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर जैसा हमने एक्टिविटीज का एग्जांपल लिया था कि टीचर ने आपको बोला फोर एक्टिविटीज बट आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग फोर एनी टू यू सिलेक्टेड ऑल द फोर एक्टिविटीज एंड यू आर डूइंग योर स्पेशल वन एक्स्ट्रा आप अपनी चॉइस की कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हैं जैसे आप घर जाके क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो दैट मीन्स पर्टिकुलर फोर एक्टिविटीज थी बट यू आर डूंग फाइव एक्टिविटीज यू आर डूंगाइव एक्टिविटीज सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें नंबर ऑफ पार्ट कम होते हुए भी आप नंबर ऑफ सेलेक्टेड पार्ट को इंक्रीज कर देते हैं सो द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या ले सकते हैं फाइव बाय फोर इज देयर सेवन बाय फाइव इज देयर ठीक है नाउ थ्री बाय टू इज देअर

सेम हो नो मैटर्स वट एवर दूमरेटर इज डिनोमिनेटर अगर सबका सेम है तो दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन कम अंडर द लाइक फ्रैक्शन जैसे कि मैंने कहा आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द केक इंटू फोर पार्ट्स यू गॉट वन आउट ऑफ फोर ठीक है नाउ आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट इंटू फोर पार्ट्स आई विल गिव यू टू पार्ट्स आउट ऑफ फोर

अनलाइक में क्या होगा डिनोमिनेटर और ऑलवेज डिफरेंट क्या होंगे ये हमेशा अलग अलग होंगे जैसे कि आई हैव डिवाइडेड द केक इंटू फोर पार्ट एंड यू गेट वन फोर्थ आई डिवाइडेड द चॉकलेट बार इंटू सिक्स पार्ट एंड यू गेट टू बाय सिक्स पार्ट ठीक है आई डिवाइडेड द केक इंटू सेवन पार्ट एंड आई विल गिव यू थ्री पार्ट आउट ऑफ सेवन सो दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शन चाहे न्यूमरेटर सेम हो जाए बेटा लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग है तो उन फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन क्या बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट होल फ्रैक्शन तो होल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चा जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाते यानी कि जितने पार्ट्स हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के किए मान लीजिए इस सर्कल के मैंने फोर पार्ट्स किए एंड आई विल गिव यू ऑल द फोर पार्ट्स तो आपको टोटल पार्ट्स से फोर और फोर में से फोर मिल गए तो दैट मीन्स ये क्या है होल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाते जब आप स्कोर करते हैं ना टेन आउट ऑफ टेन तो दैट मीन्स यू गोट कंप्लीट मार्क्स क्यों क्योंकि वो क्या बन जाती है होल फ्रैक्शन बन जाती है क्या बनती है वो होल फ्रैक्शन नाउ द लास्ट वन इज मिक्सड फ्रैक्शन आप कौन सी फ्रैक्शन पढ़ेंगे मिक्सड फ्रैक्शन मिक्सड फ्रैक्शन क्या होती है बच्चा फ्रैक्शन प्लस होल ठीक है जिसमें आपको एक कंप्लीट भी मिले और कुछ पार्ट फ्रैक्शन का भी मिले जैसे कि मैंने कहा तो इसका मतलब आपको दो तो होल मिले कंप्लीट मिल गए दो सर्कल कंप्लीट मिल गए और वन बाय टू प्लस में आपको आधा सर्कल मिला प्लस में आपको आधा सर्कल मिला जैसे कई बार आपको मार्क्स मिलते हैं ना ये होते हैं जैसे आपको थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है आपको थ्री तो कंप्लीट सही है आपके और एक आधा सही है जिसमें थ्री कंप्लीट है और एक आधा है तो दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें आपको कुछ पार्ट तो होल का मिलता है और कुछ पार्ट आपको फ्रैक्शन का मिलता है सो दीज आर द टाइप्स ऑफ fraction. I hope you have understood what is fraction and what are the different types of fraction.